सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, 10 बजने वाले हैं और नाश्ता पानी एकदम टर्न करके हम आ रखे हैं अपने सगड़ों में, जो हमारे साग सगड़े होते हैं, मतलब घर के घरेलू सगड़े। तो आज की शुरुआत बघवाल तो हमने खा ली, बस कल तक पचा ली थी, मतलब अच्छी तरीके से पच चुका है और इस बार पेट खराब नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडा है तो वो पेट खराब नहीं होता है। अब आके आज हम सगड़े में जा रखे थे। मैं यहाँ सुबह से सफाई करके, मतलब सफाई कर दी है मैंने सुबह से काट कूट के, और यहाँ पे मेरी जठो जी आई है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जय माता दी। और आज हमारी जठो जी आ रखी है मेरे साथ सगड़े में हेल्प करने के लिए। तो यहाँ से पीछे मैंने साफ कर दिया है और कुदाल से भी अच्छी तरीके से, मतलब उसमें गोबर मिक्स कर दिया। तो हम लोग खाद का यूज नहीं करते हैं, गोबर डालते हैं खेतों में। रेखा 15 साल के बाद तो मैं दिवाली के लिए आई, तो मौका इसलिए मिला क्योंकि इस बार मेरी पूजा थी ना इधर। वो बोलते ना गाँव में की जल छाया पूजने देती ना, उसकी पूजा करने के लिए आई, तो मौका रेखा से भी बात करने को मिल गया। बस आज मैं इसके साथ थोड़ा हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत साल हो गए ऐसा कुल्ला नहीं पकड़ा, ऐसे क्या बोलते इसको, दथड़ा, ये भी नहीं पकड़ा होगा मैंने, दथड़ा, दरांती। आज मैं इसके साथ घास काटने भी जाऊंगी। देखो इस ये ना ये सबसे मेन है इधर उत्तराखंड में, देखो बहुत सबसे मेन। देखो आज ना मैं इसके साथ थोड़ा हेल्प करूंगी, बहुत साल हो गए कुल्ला छोड़ के, पर तो भी छोड़ा नहीं है क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी है ना, ये यादें तो आई जाती है। और बाकी स्वामी जी भी जा रखे थे मेरी सासू माता को रोटी देने खेत में, वो सुबह चले गए थे तो ये अभी आ रहे हैं यहाँ पे। और दुबई रहता है सब, मेरी किस्मत देखिए ना, सब भाई से मेरी मुलाकात हो गई, मेरे सब भाई मुझे मिले हैं। कैसा लग रहा भाई? और दिवाली तो हमने इतनी मजे से खेली ना, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि बेला मैंने कैसे कमा। मुझे डर लग रहा था, मुझे तो ऐसे ऐसे आ रहा था, ये बोल रहे थे ऐसे ऐसे करो, पर मुझे कभी खेला नहीं ना मैंने बहुत सालों के बाद, तो भी खेला मैंने थोड़ा बहुत। देखो ऐसे होता है गांव में काम, देखो मुझे भी गांव का अच्छा लगता है यार, ये काम करना कुदाल का काम है, कुदाल का काम। कहाँ लगो तेरे घर बताइए, अक्सर तेरा ससुर कैसा है भाई, तेरा ससुराल? मेरा ससुराल तो अच्छा है, अच्छा है ना यहाँ पे, और मतलब मायके से कम काम है इधर, कम काम ये वाला काम है, मतलब हमारे यहाँ बांझ के ले जाता है दूर दूर, 4 बजे को आना होता है फिर जंगल से वापसी, 3 बजे को 10 बजे को हम जाते हैं। मुझे भी ना ये काम करना बहुत अच्छा लगता है यार, यहाँ नॉर्मल काम है लेकिन छुट्टी नहीं होती है इस काम में, एक एक मिनट भी नहीं। आजकल तो थोड़ा सर्दियों के टाइम पे काम कम हो गया था थोड़ा सा, देखो ऐसे घास निकालना, ऐसे 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 करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला इतना काम होता है गाँव में सच में यार, हम सारे वहाँ पे इतना आराम से, तो अभी पूरे दिन कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता है। मुझे ना सच बता रही, ये काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, पता है जिनको अच्छा लगता है उनके उनके हिस्से में ये काम आया ही नहीं। मुझे अच्छा लगता था तो साले मेरे को इतना दूर दिया मेरे मम्मी पापा ने कि पूछो ही मत, पता है सालों सालों में सोचना पड़ता है कि जाए कि नहीं जाए गाँव, अब तो पता नहीं कब आने को होगा। पर एक बार इस मैडम को तो जरूर बुलाऊंगी मैं, ओम भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इसके भी वहाँ पे बहुत सारे याद करते कौन है ये, मैं बोलती मेरी भाई की वाइफ है भाई ये तो, बहुत जब भी इसके वीडियो डालो तब कोई ना कोई पूछता रहता है क्या है। हाँ अरे सारे हमारा प्रोग्राम है अभी वहाँ पे, रामलीला है हमारी 13 तारीख से, सोच रही थी इसको लेके जाऊँ पर अभी गांव में काम ही काम है ना, मैं तो इसको लेके जा रही थी मैं बॉम्बे में एक बार, ज्यादा नहीं 1 महीने के लिए बस, 1 महीने के लिए भी आ जाती तो बहुत हो जाता था, आएगी ना एक बार, तो आना ही पड़ेगा तुझे वहाँ। रेखा का और मेरा विचार तो शायद ज्यादा मिलते होंगे यार, क्योंकि है ना तेरे मेरे विचार तो सेम ही मिलते हैं यार, क्योंकि गाने का शौक इसको भी है और मुझे भी है, डांस करने का शौक इसको भी और मुझे भी बहुत ज्यादा है, जब बजड़े बजना तक नाचना लगे हम। मुझे तो सब मेरी फ्रेंड लोग ऐसे ही चढ़ाते हो, आप जहाँ जाती है वहाँ नाचना, और क्या और क्या जिंदगी में क्या, 4 दिन की जिंदगी हंस खेल के रहा करो, सबके साथ मिल के रहा करो, यही लाइफ है और यही जिंदगी है और कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं लेके जाना यहाँ से, इसलिए मैं बोलती हूँ बिंदास रहने का, बिंदास खाने का, बिंदास घूमने का, बस यही है। आज मैंने सोचा मैं थोड़ा इसके साथ हेल्प कर दूँ। और ना गांव की मतलब जितनी भी लड़कियां हैं महिलाएं हैं तो रील बनाती हैं, तो उनको कोई अगर कहता है कि गलत कमेंट करता है, बाकी मेरे मेरे वीडियो पे तो कोई गलत कमेंट नहीं करता कि क्या कर रहे हो वीडियो बना रहे हो, लेकिन हमारा ये होता है दिन के हिसाब से 1 या 2 रील पड़ती है,
तो बाकी गांव का मतलब जो काम धाम होता है सुबह से शाम तक का, उसका कोई हिसाब लगाएगा ना, गिनती गिना है तो 1 साल महीना भी कम पड़ जाएगा। जितना जितना काम होता है घर में, इधर जाओ उधर जाओ, गोबर लाओ गौशाला जाओ, भैंस को बाहर निकालो, तभी खाना बनाने का, तभी खेतों में जाने, कितना काम हो जाता है। इस बेचारे को देखे भी मुझे दया आती है, बहुत काम। और ना उसके बाद भी कोई थोड़ा सा अपने लिए खुश रहता है, रील बनाता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है ना, मतलब गलत नहीं बनाना चाहिए, बाकी अपने हिसाब से जो भी होता है। अब पता है ये सब्जी है, ये इसको क्या बोलते हैं इधर, सगवती। हाँ, इसको ना आप बॉम्बे में ना चोली बोलते हैं। देखो ये ना यहाँ तो कोई खा भी नहीं रहा, वहाँ तो कितना महंगा मिलता है, एक मुट्ठी कितनी महंगी मिलती है। मैं वही बोल रही हूँ, भगवान ऐसी चीजें बनाओ ना, आलू की खिचड़ी, चौसी, ये सब चीजें कहाँ वहाँ टाइम मिलता है, बस वो दाल चावल बस वही मिलता है। देखो ये सब्जी है। सगोड़े की मिट्टी अच्छे से मिलाने के बाद हम आ गए हैं दूसरे सगोड़े में, और यहाँ पर देखो ना कैसा, देखो ये गोबर है, ये गांव में गोबर है, और इसके अंदर देखो कितने सारे कीड़े हैं, देखो इनसे मुझे बहुत डर लगता है। देखो ये कितला कितला बोलते हैं इसको, कितला कितला, ये देखो चौमिन पहाड़ी चौमिन ना, यहाँ पे चौमिन पहाड़ी चौमिन नूडल्स नहीं खाते, मुझे बहुत घिना है। ये देखो ये देखो ये देखो, बाप रे कितने सारे हैं देखो गोबर के अंदर, इसको तो बेचारे को डर भी नहीं लग रहा इनको देख के, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई इनसे। ये लोग क्या क्या बोलते रहते पता नहीं। ये देखो ये मेरी चाची है, जिसने बेचारे ने कल परसों ना पकोड़े खिलाए थे मेरे को, ये आज मुझे क्या बनाएगी, आज मेरे लिए खीर बनाने वाली चाची। हाँ ब्याह कर लो ये ना, ये देखो ये तो मेरी बचपन की दोस्त है भाई, ये तो मेरे साथ घास काटती थी, हम साथ में जाते थे खेतों में, आम भी खाते थे ना हम लोग। अरे इसका नाम तो मैंने क्या रखा था, अमरावती, इसका नाम अमरावती रखा मैंने। और हम तो जब भी आती हूँ ना अपनी माँ को हमेशा पूछती रहती हूँ कि माँ अमरावती भी आ रखी वहाँ पे। ये मेरी चाची जिसने बेला बनाए थे पता, और ये मेरी माँ है बस। आज जो बोल रहे थे ना गुलगुले पकौड़े, ये दोस्तों कैसे हो, ठीक ठाक हो, ठीक ठाक हो, हम भी ठीक है, तुम भी ठीक रहो। ये चाची है, ये मेरी माँ है, ये मेरी दूसरी चाची है, ये मेरी फ्रेंड है बचपन की अमरावती, इसका नाम तो मैंने अमरावती रखा। अरे ये भाई है मेरा जो दुबई से आ रहा है आजकल, वो उसकी वाइफ है, वो देखो बेचारी कितनी मेहनत करती है, वो देखो तब बेचारी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती है और फिर वीडियो बनाती है। मैं तो उसका बहुत सपोर्ट करूंगी भाई, जहाँ भी रहेगी मैं उसका बहुत सपोर्ट करूंगी, और एक बार माता रानी की कृपा से उसको बॉम्बे जरूर बुलाऊंगी मैं। हाँ मैं तो जा रही हूँ अभी 1 हफ्ते के बाद, और मैं इसकी वीडियो देखती रहती हूँ, फिर मुझे बहुत याद आती है। ये हमारा घर भी है देखो, ये सामने वहाँ जाने वाली, मैं कल मठाना खाल जा रही हूँ मैं ऊपर, ओ जंगल में ऊपर। हाँ ये मेरी चाची देखो, ये देखो कितना काम, वो रेखा की सास वो माँ है ये। मैं नहीं तो क्या 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 सीखा, क्या किया तुमने भाई? मैं तो कखी भी रोंदू, मैं तो अपने गढ़वाल बॉम्बे में अपने गढ़वाल भाषा में बात कर दू, मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोल दू, क्योंकि अपनी मातृभाषा हमारी गढ़वाली है, उत्तराखंडी। हम तो ज्यादा ये नहीं करने का कि बस बॉम्बे में रहते तो बस फूकने लग जाते लोग हिंदी। मैं अपने घर में अपने ससुर के साथ प्योर गढ़वाली में ही बात करती हूँ, ज्यादा हिंदी अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि बच्चे हम लोग उत्तराखंड के गढ़वाली हैं, हमने गढ़वाली भाषा में बात करनी है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ये है। तो हम जैसे मराठी लोग कैसे अपने मराठी में ही बात करते हैं, गुजराती लोग गुजराती में ही बात करते हैं, तो हम क्यों ना करें अपने गढ़वाली भाषा है हमारे, तो हम अपने गढ़वाली में ही बात करेंगे ना। तो मैं लगन पराज सुमन नवे नाराज तेरे लगन पराज सुमन नवे नाराज। ये हमारे गांव से आए, और ये सासू जी ना मेरी डेली वीडियो देखते हैं, जबकि इनके पास खुद का फोन नहीं है, तो सबके मतलब गांव के बहुओं के पास
सबको बोलते रहता है कि मेरे पास वीडियो बताओ बोल, तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम सासू जी का, ठीक है। ये हमारे गांव के हैं, तेला वार्ड के, गांव के। आजकल लोग खेतों में आ रखे ना गेहूं बोतने के लिए, तो आजकल मैं सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, कितने सालों के बाद सब लोग मिल रहे हैं मुझे। टॉप लेना, दुकान नहीं बना इधर, काफी काफी लेना, काफी हम घास सुन दो, जब हम ये बार गल गए छे ना, तो मैं तो पता नहीं पोना को के हुए बोलता बारी, बहुत सारे पुराने की याद है यार, मेरे को बहुत ये लग रहा है, क्यों लड़ बैठा ये बोल दो, तू बता दो, बताओ हाँ बताओ बताओ क्या वैसे आराम से क्यों तुम आम आम खाना आम आम, क्योंकि ना ये बड़ सर गाँव में इतना आम होना, इतना आम होना की कख देने होना है ये ना आम खान खाना थोक लगी खाली बोल मेरे जाए ले गोल बोल। अच्छा शुद्ध करे शुद्ध करे फोन चुले आई बोले मैं ठीक हुएगी बोला घास खान बैठी मर जा रहे देखो ये काम भी होता है यहाँ पे खेतों में, यहाँ देखो यहाँ यहाँ ना गोबर उठाए जाते हैं यहाँ पे, देखो इसके अंदर कीड़े भी हैं, मैं गोड़े होगा दौ लिए हैं दौ लिए मैं गोड़े होगा।